सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल पे ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। मैं आज के वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि न्यू बिगनर्स होते हैं जो वो हमेशा भूल जाते हैं क्लच कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर, एक्सीलेटर कहाँ पर, गलत पैर से ऑपरेट करते हैं। जबकि शायद आपको पता होगा या फिर जो सीख रहे हैं या सीख चुके उनको पता होगा कि क्लच लेफ्ट वाले पैर से ऑपरेट किया जाता है और ब्रेक राइट वाले पैर से और एक्सीलेटर भी राइट वाले पैर से। लेकिन राइट वाला पैर का मूवमेंट जो रहता है वी शेप में रहता है, दोनों तरफ मूवमेंट होता रहे, एड़ी जमा के अगल बगल दोनों तरफ मूवमेंट होता रहे। इस तरीके से अपने पैर को जमाना है और आज के वीडियो में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो न्यू बिगनर जो सीख रहे हैं गाड़ी पहली बार और जो सीख चुके हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो जरूर देखें। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, गाड़ी में बैठते सीटिंग करना। मैंने सीटिंग तो कर ली है, इसके बाद ये सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं अपन, यहाँ से ऐसे घूम यहाँ से और इस क्रॉस साइज में लगाते हैं। यहाँ पर एक लॉक होता है नीचे, ये लॉक, ये लग गया सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाना बहुत कंपलसरी है, सीट बेल्ट से अपन को बहुत बचाव मिलेगा। एयरबैग जो होते हैं ना बिना सीट बेल्ट के नहीं खुलते हैं, तो ये याद रखिएगा। सीट बेल्ट लगा के हमेशा चलाएं गाड़ी, बिना सीट बेल्ट के कभी ना चलाएं। एक गलती और करते हैं बहुत से लोग, क्या होता है चलते चलते सीट बेल्ट भूल जाते हैं, सामने की पुलिस वाले देखते हैं या चेकिंग लाइन दिखती है तो तब सीट बेल्ट लगाने लगते हैं, या पहले रोक के लगा लो। वहां पर क्या होता है इंसान घबरा जाता है, हड़बड़ी हो जाती है, जिससे हादसे होने का चांस होता है, इधर उधर गाड़ी बहक जाती है। सबसे पहले गाड़ी में बैठते सारी पूरी तरह से अपनी तैयारी होकर गाड़ी को ही ड्राइव करें। तो चलते हैं। ये होता है क्लच, ये होता है ब्रेक, ये होता है एक्सीलेटर। और न्यू बिगनर से जो पहली बार गाड़ी सीख रहे हैं तो इन चीजों का जो मूवमेंट है और इन चीजों का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करना होता है। क्लच जैसे दबाता है और धीरे धीरे उठता है, क्लच को एक सेकंड में दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठा देना बहुत धीरे धीरे उठाना होता है। झटके से उठाएंगे गाड़ी जर्क करेगी, बंद होने के चांस हो सकते हैं, किसी भी टक्कर भी हो सकती है, ठीक है। और ब्रेक और एक्सीलेटर का जो मूवमेंट होता है हमेशा ऐसा रहता है, ब्रेक एक्सीलेटर का जो मूवमेंट होता है हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, ये इस तरीके से ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट रखा जाता है, इस तरीके से ये दोनों तरफ को। बहुत से लोग उठा के इधर से ले आते फिर इधर से ले आते, बहुत से लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये गलत है। हमेशा ये पंजा होता है, पंजे के अकॉर्डिंग ही अपन को ऑपरेट करना है। अब जब स्टार्ट करते हैं पहली बार तो ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि आपका जो पैर का मसल्स मेमोरी है ना वो पूरी तरह से अपन को काम करना चालू कर दे, स्टार्ट कर दे। बहुत सारे का पैर एक दबा के रह जाते हैं, कोई सामने आता तो डर जाते हैं और पैर दबा के ही रह जाते हैं एकदम से एक्सीलेटर को, क्योंकि बाइक चलाने वालों को आदत ये रहती है कि बार बार ना मूवमेंट करने की आदत नहीं रहती। तो अपन को इतना प्रैक्टिस कर लें ग्राउंड में कि ये दोनों तरफ सही चले। ये क्लच होता है, क्लच को ऐसे दबाया जाता है और धीरे धीरे एड़ी जमा के धीरे धीरे उठाना है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पीछे ही पैर खिसकेगा, पूरा एड़ी जमाएंगे तो ऐसे उठ नहीं पाता। ये जा रही गाड़ी ऐसे, इस तरीके से। और जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्लच दबा के ही स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि न्यूट्रल पे स्टार्ट करें, क्लच दबा के स्टार्ट करना ये बहुत कंपलसरी है। हमेशा क्लच दबा के ही गाड़ी को स्टार्ट करें, ठीक है। और ब्रेक जब भी लगाते हैं तो हमेशा क्लच दबा के, अगर पहली बार गाड़ी सीख रहे हैं, देखो जब नए स्टूडेंट गाड़ी सीखते हैं तो जाहिर सी बात है आप 30-35-40 से ज़्यादा नहीं जाते, 30-35 से ऊपर नहीं जाता कोई भी इंसान सीखते टाइम। आपको पता होगा 50-60 की स्पीड में, जो 50-60-100 की स्पीड में होता है तो 30 तक 35 तक डायरेक्ट ब्रेक लगता है, उसके बाद क्लच दबा के ब्रेक लगता है। और न्यू बिगनर्स भूल जाते हैं कि भाई ब्रेक दबा के रह जाते हैं और क्लच दबाना भूल जाते हैं। तब एक सबसे बेस्ट तरीका, किसी की बात नहीं मानना, सबसे बेस्ट तरीका अगर 30-35 में चल रहे हैं यहाँ तो क्लच दबा के आराम से ब्रेक लगाएं। इसमें आपकी आदत पड़ जाएगी कि हाँ यार क्लच दबाना है और ब्रेक लगाना है। और तेज चल रहे तो बात अलग है कि 50-60-100 की स्पीड में चल रहे हैं 35 तक डायरेक्ट ब्रेक लग सकते हैं 30 तक, उसके बाद क्लच दबाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सीट बेल्ट लगा लिया और गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। यह है गाड़ी न्यू वैगनआर, आपको पता होगा, ठीक है। इसका इंटीरियर है, यहाँ पे एयर बैग है, जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो एयर बैग नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। एयर बैग वहाँ पर है तो क्या होता है, सीट बेल्ट नहीं होता तो एयर बैग नहीं लगता। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालना पहले गाड़ी को, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले मैंने कर किया रिवर्स और कुछ नहीं करना, मेरे को ब्रेक को भी छोड़ देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। और ब्रेक को पैर टच करके रखना है ताकि कोई पीछे सिचुएशन कोई प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ कैमरे से भी देख सकता हूँ, है ना, कोई सिचुएशन होगी मेरे पैर का मूवमेंट देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरी गाड़ी को घुमा लिया और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। एक्सीलेटर की 1% जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, यहाँ पर हैंड ब्रेक भी नीचे कर लिया अपन ने,
ये जा रही गाड़ी देखो पीछे आराम से जा रही है आपको, 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि एक्सीलेटर देना पड़े। ये कभी कभी क्या होता है गड्ढे पे पत्थर तरफ फंस गए तब वहाँ देना पड़ सकता है एक्सीलेटर। ये देखो मेरा पैर पूरा छूटा हुआ है, ऑटोमेटिक जा रही गाड़ी पीछे, ये जा रही गाड़ी, ये गाड़ी निकल गई मेरी और मैंने गाड़ी को क्लच दबा के ब्रेक दबा के स्टॉप कर लिया। अब मैंने लगाया फर्स्ट गियर और आगे बढ़ने के लिए एक भी एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे रिलीज करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लगेगी। कोई भी गाड़ी होती है इतना पावर ऑलरेडी रहता है गाड़ी में कि आराम से धीरे मूव होने लगती है। तो ये मैंने गाड़ी देखो मूव हो रही है, ये गाड़ी चल रही है और गाड़ी को मैंने किया सीधा जी। अब मुझे राइट जाना है तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे राइट इंडिकेटर और हॉर्न बजाना कंपलसरी। मेरे पैरों का पोजीशन देखो, हॉर्न बजाना कंपलसरी है, यहाँ पे रखा फिर बार बार गया इस तरीके से, फिर मैंने गाड़ी को पूरा किया टर्न, ये गाड़ी इस तरीके से, फिर लगाया मैंने सेकंड गियर क्लच दबाया, ये सेकंड गियर कितनी स्पीड में लगता है सेकंड गियर 20 की स्पीड में। अब धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, अब लेफ्ट इंडिकेटर दिया मैंने, अब धीरे धीरे मूवमेंट करूँगा और ब्रेक पे रख लिया मैंने। अगर ये डिपेंड करता है चढ़ाई वाला टर्निंग में थोड़ा सा एक्सीलेटर लगेगा, थोड़ा चढ़ाई वाला टर्निंग है, मैंने एक्सीलेटर दिया ऐसे और धीरे धीरे मूवमेंट करते चले गए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे कॉलोनी में तो सेकंड गियर से ज़्यादा नहीं चलाया जाता और रोड भी ख़राब है, अगर रोड थोड़ा सा भी अच्छा होता तो कोशिश करते अपन थर्ड गियर लगाने का। इस तरीके से अपन ड्राइव कर सकते हो, क्लच ब्रेक का एक्सीलेटर एक क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ में है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। एक खद्दर रोड में आप कोशिश करिए सेकेंड गियर में चलाएं, क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी भी रहती है, गाड़ी का बेस्ट अच्छा रहता है ऑपरेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकर था, देखो यहाँ पर ब्रेकर था, मैंने स्लो कर लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे मूवमेंट करूँगा, आगे भी ब्रेकर है ये देखो, तो धीरे धीरे मैंने ये किया, इस तरीके से ऑपरेटिंग कर सकते हैं अपन धीरे धीरे। अब आगे आ रहा है टर्निंग, तो टर्निंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट इंडिकेटर दिया मैंने, इंडिकेटर देने के बाद में और धीरे धीरे अभी चले गए और लेफ्ट तरफ भी देखना ये बंदा आ रहा, देखो कोई भरोसा नहीं बाइकों का। धीरे धीरे मैंने किया राइट टर्न करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन राइट टर्न करते टाइम एक ध्यान रखना है एक चीज़ का कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक भी हो सकता है, तो मैंने क्लच दबा के ब्रेक लगाया स्लो किया और यहाँ पहले एक बार स्टॉप किया मैंने, यहाँ पर ये यहाँ से भी आ सकता है यहाँ से भी आ सकता है, और फर्स्ट गियर लगाया मैंने और धीरे धीरे एक्सीलेटर लेते हुए धीरे धीरे मैं हाफ क्लच पे एक्सीलेटर लेते लेते निकल सकते हैं अपन। हाफ क्लच लेना कंपलसरी है टर्निंग में, क्योंकि फुल क्लच छोड़ने से गाड़ी तेज भागती है, हाफ क्लच में थोड़ा आधा कट स्पीड हो जाता है जिससे कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से निकाल सकते हैं, वहाँ चढ़ाई भी होगी तो एक्सीलेटर दे सकते हैं अपन, ये चीज़ होनी चाहिए। हमेशा टर्निंग में हाफ क्लच ले लिया जाता है। हाँ हाईवेज वगैरह में नहीं जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाईवेज पर में इंसान तेजी निकालता है, कम 40 की स्पीड से भी टर्न कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन न्यू बिगिनर से पहली बार सीख रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मुझे जाना आगे से लेफ्ट टर्निंग, ठीक है, तो मैंने किया लेफ्ट इंडिकेटर और धीरे धीरे मूवमेंट करूँगा अभी मैं। मैंने ब्रेक लगाया हल्का सा, ये ब्रेक लगाया और लगाया सेकंड गियर, ये सेकंड गियर लगाया और धीरे धीरे मैं मूवमेंट करूँगा, ये घूम रही गाड़ी ये। ये अब उसके बाद मैंने थर्ड गियर लगा लिया, स्पीड देके अपना लेवल स्पीड लेके इस तरीके से क्लच ब्रेक का कंट्रोल करना पड़ता है। गड्ढे वड्ढे देखो, बार बार मेरा ब्रेक का पैर जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्लच ब्रेक का कंट्रोल किया जाता है। रखा दड़ तो फिर वापस मैंने सेकंड गियर ले लिया, क्योंकि दड़ में तेज निकालूँ गाड़ी के सस्पेंशन में दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से खत दड़ तो मैं सेकंड गियर में ही निकालूंगा भाई, इससे कि ज़्यादा गियर ऊपर नहीं जाएंगे। खत दड़ में थोड़ा देखना होता है कि भाई इतना धीरे निकालोगे तो अपने को भी दिक्कत नहीं आएगी और गाड़ी में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं खत दड़ में भी तेज भगाते हुए निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो भाई, लेकिन गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, अपन को भी अनबैलेंस होगा, अपन को बहुत अजीब लगेगा, इसलिए चीज़ का बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा गाइस। अब फिर यहाँ से कद्दड़ है, फिर वापस मैंने स्लो किया, अपन देखो देखो स्लो कर रहा हूँ और सेकंड गियर ले लिया मैंने और फिर एक बढ़ाया धीरे धीरे। अब यहाँ पर ज़्यादा कद्दड़ है तो देखो ज़्यादा ब्रेक पैर रख लेंगे तो गाड़ी बढ़ नहीं पाएगी, धीरे धीरे रुकने लगती है, तो क्या करेंगे हाफ क्लच ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा स्पीड लेते रहेंगे धीरे धीरे। हाफ क्लच में क्या होता है कि गाड़ी तेज भी नहीं भागेगी और गाड़ी रुकेगी, क्या गड्ढों में अनबैलेंस होती है तो गाड़ी का स्पीड लेवल कम होने लगता है ऑटोमेटिक। अभी निकल गए गड्ढे, फिर क्लच दबा के लिया मैंने थर्ड गियर और धीरे धीरे मूवमेंट करते चले आ रहे हैं। अब देखिए मैंने क्लच ब्रेक से स्लो,
और धीरे 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 गड्ढे में धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं। देखो इस तरीके से क्लच ब्रेक का कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे खद्दड़ था, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं आराम से। वापस फिर सेकंड गियर लगाना पड़ा। सो गाइस प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्शन बन ही सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में न्यू बिगनर्स होते हैं तो पहले ग्राउंड से स्टार्ट करें ये सारी चीज़ें। क्लच ब्रेक का कंट्रोल क्या होता है भूल जाते हैं लोग कि क्लच ब्रेक कैसे कंट्रोल करना है। अब मुझे जाना आगे से राइट। सबसे पहले क्या करूँगा मैं इंडिकेटर देना कंपलसरी करूँगा। उसका साइड मिरर से देखना कोई आ तो नहीं रहा है। अभी धीरे धीरे पहले क्या करूँगा, अभी स्पीड में चल रहा हूँ गाड़ी, धीरे धीरे स्लो भी करूँगा। और कौन सा गियर रहेगा, सेकेंड गियर। सेकेंड गियर में आप ड्राइव कर सकते हैं आराम से टर्निंग में धीरे धीरे। वो भी मैंने क्लच ब्रेक से देखो स्लो किया, क्लच दबा लिया, 30 से नीचे क्लच दबा लिया, वापस लगाया मैंने सेकेंड गियर। देखो और धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा हूँ मैं। तो गाइस समझ में आए सारी चीज़ें क्लच ब्रेक कंट्रोल का। अगर कैसा लगा आज का वीडियो, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का कंट्रोल, और आपको पता है मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपके। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई यूट्यूब से लेकर। जय हिंद।